रात और दिन में रहमान से तुम्हारी कौन हिफाजत कर सकता है? बात यह है कि ये अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरे हुए हैं। क्या हमारे सिवा इनके और माबूद हैं कि इनको मसाइब से बचा सकें? वो आप अपनी मदद तो कर ही नहीं सकेंगे और न हमारी तरफ से उनकी रिफाकत होगी। को और इनके बाप दादा को मुतमत्ते करते रहे, यहां तक कि इसी हालत में इनकी उम्रें बसर हो गईं। क्या ये नहीं देखते कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आते हैं? तो क्या ये लोग गलबा पाने वाले हैं? को वही के मुताबिक खबरदार करता हूं और बहरों को जब तंबीह की जाए तो वो पुकार को सुनते ही नहीं। और अगर इनको तुम्हारे परवरदिगार का थोड़ा सा आजाब भी पहुंचे तो कहने लगे कि हाय कमबख्ती, हम बेशक गुना और हारून को हिदायत और गुमराही में फर्क कर देने वाली और सरतापा रोशनी और नसीहत की किताब अता की, यानी परहेजगारों के लिए जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और कयामत का भी खौफ रखते हैं। और ये मुबारक नसीहत है जिसे हमने नाजिल फरमाया है, तो क्या तुम इससे इनकार करते हो? और हमने इब्राहिम को पहले ही से हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे जब उन्होंने अपने बाप और अपनी बिरादरी वालों से कहा कि ये कैसी मूर्ति हैं जिनकी परस्तिश पर तुम लोग जमे हुए हो। वो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को इनकी परस्तिश करते देखा है। इब्राहिम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में पड़े रहे।